विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ वो मोदी को घेरना चाहती है, क्योंकि खुद से तो डेवलपमेंट होती नहीं है। सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना कि मोदी जी चोर है। बंगाल का हो, बंगाल में ममता चोर है, वो भतीजा और दीदी दोनों चोर है। एक नौकरी के लिए 20 लाख रुपया लेता है। ठीक है, सफरा साफ है ना। अब राहुल गांधी बस नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है, बस खत्म है। विपक्ष चाहिए कि नहीं देश में? अरे का विपक्ष चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए। मोदी कौन सा कोई बुरा काम कर रहा है क्या है पता आपको? जो हर किसी का तो लग नहीं सकता ना, फौजी में तो 4 साल के किसने दे, सबको मौका मिल जाए, हर किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, अपना बिजनेस कर सकता है, तब मंदिर बना है। हाँ, प्रधानमंत्री है तो ये मुद्दा बहुत टाइम से अटका हुआ, तो जाके उन्होंने जो है उसका कर दिया जो भी करना था। ठीक है जी, गलत है ना, तो आप एक काम करिए, उनके लिए सबूत ढूंढिए और जाइए अंदर कर दीजिए। जो भी गलत होगा ना वो सीधा अंदर जाएगा, पहले ईडी इसीलिए तो लेके गई है अंदर को। इतने अच्छे 400 का 1200 में सिलेंडर हो गया, 60 का पेट्रोल 100 पार हो गया, रोजगार जो कहा है नहीं, मोदी जी का कह रहे ना, तो मोदी जी महंगाई पे कोई काम करे, बेरोजगारी के पे काम। भाई जहाँ पे जॉब करते ना वहाँ पे इनकी सैलरी पहले 3000 थी ना, आज भी 3000 होगी, पैसे तो बड़े नहीं होंगे आपके, कितना बढ़ा दिया उन्होंने, कितना। भाई साहब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरी तो बढ़ती है, आप जहाँ भी काम कर रहे हो हर साल में 2-3 हजार बढ़ती नहीं बढ़ती है, तो कैसी बात कर रहे हो भाई? डेवलपमेंट में हम बंगाल का हो, बंगाल में ममता चोर है, वो भतीजा और दीदी दोनों चोर है। एक नौकरी के लिए 20 लाख रुपया लेता है, 20 लाख फिक्स, और हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, खाली पढ़ाई करके जाइए ना, पढ़ाई करके जाइए, पेपर दीजिए, आपको मिलेगा नौकरी। बिहार में पेपर लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में पेपर लिख हुआ, दिल्ली में भी हुआ था क्या? कहीं ना कहीं जाएगा यूपी में सरकार, तो वहाँ भी पेपर लिख हुआ, मतलब कहा पेपर लीक हो जा रहा है भाई। भाई साहब हर जगह मोदी जी योगी जी नहीं रह सकते, अब कुछ लोग हैं जो कर देते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं बताइए भाई, हर जगह तो मोदी जी नहीं है ना। और कितना भी गठबंधन हो जाए, ठगबंधन हो जाए, आना है मोदी को ही, 24 में मोदी, 29 में योगी। और राहुल गांधी ने एक काम बहुत अच्छा किया, नहीं चाहिए पप्पू ने चाहिए, अभी तो संसद में आंख मारने वाला बंदा नहीं चाहिए, जो संसद में आंख मारता है वो नहीं चाहिए। स्टॉप पर कोयला रखकर मुमकिन है, 24 पर कोयला रखकर चाय नहीं बनाना, हमें सिर्फ वो बना सकते हैं, वो सबसे बढ़िया चाय बनाते हैं स्टॉप पर। 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। लेकिन बोलते ना राहुल गांधी के राजा का प्राण ईवीएम में बसता है, मतलब ईवीएम में हैक हो चुका है। राहुल गांधी का सफरा साफ है ना, अब राहुल गांधी बस नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है, बस देश बनाया था। आगे सर, 110% कांग्रेस खत्म है, विपक्ष चाहिए कि नहीं देश में? अरे काहे का विपक्ष चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए। मोदी कौन सा कोई बुरा काम कर रहा है, बढ़िया, मोदी कुछ बुरा काम नहीं किया, नहीं बोलते नहीं, महंगाई हो गई बहुत ज्यादा, महंगाई पहले भी कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, पर इतना बड़ा देश है, इतनी पब्लिक है, किस किस को नौकरी चाहिए? सबको नहीं मिल सकता, हर कोई तो सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकता, जब वो करता है तो लोग लात खींच लेते हैं। 4 साल की नौकरी के लिए अगर मिलता आर्मी में, जब उसका पुलिस में, तो सबको मौका मिलता ना। अब 60 साल के लिए तो बंदा बस वो तो हो गया उसके, और अग्निवीर आ गया ना। मैं आपको ये बताता हूँ, अग्निवीर क्या है पता आपको? जो हर किसी का तो लग नहीं सकता ना, फौजी में तो 4 साल के किसने दे, सबको मौका मिल जाए, हर किसी को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, अपना बिजनेस कर सकता है, हर किसी को मिल सकता है ना, उसी से दिक्कत हो रही है लोगों को। 4 साल में कोई भी आदमी 10 लाख रुपए कमा लेता नहीं कमा, 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए दे रही थी गवर्नमेंट, और 30-35 हजार तो सैलरी भी दे रही थी, क्या बुरा था? जो आदमी 400 रुपए दिहाड़ी कमाता, 300 रुपए दिहाड़ी कमाता, उसके लिए तो बहुत बढ़िया था भाई। 4 लाख 4 साल में 10 लाख लेके अपना बिजनेस भी कर सकता था कोई ना कोई। अभी तो है अच्छा, अग्निवीर तो है योजना, चल ही रहा है। कितनी कितना टूट फूट हो रही, मोदी जी का आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है जब से मोदी आए, तब से, जब पहले से था यार, कब से था, कब नहीं था? आप बताएंगे ना सर, कांग्रेस के राम मंदिर पहले टूटा हुआ था, आप तो पहले भी देखे होंगे कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था क्या नहीं, सब कुछ होता था कांग्रेस के टाइम पे, क्या राजनीति बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी, वो नहीं करते थे, वो भी तो करते थे 500 साल क्यों पीछे पड़ा रहा, राम मंदिर क्यों नहीं बना पहले, क्यों नहीं बना, बन जाना चाहिए था, हाँ बन जाना चाहिए था ना, अभी क्यों बना, उस टाइम भी तो राजनीति थी ना भाई, मंदिर बनाएंगे हम ये करेंगे, बनाते थे नहीं, उसी के ऊपर राजनीति चलती थी।
आज वो खत्म कर दिया, उसने बहुत बढ़िया किया। क्या मंदिर होगा चुनाव का मुद्दा, आप लोग वोट देंगे मंदिर के नाम? मंदिर के मंदिर के मंदिर को लेकर कोई भी वोट नहीं देगा। मंदिर जो बनवाया गया है वो पब्लिक ने मिलकर पैसे दिया तब मंदिर बना है। हाँ, प्रधानमंत्री है तो ये मुद्दा बहुत टाइम से अटका हुआ, तो जाके उन्होंने जो है उसका कर दिया जो भी करना था। ठीक है जी, मंदिर चालू हो गया, अपने सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जो है किस्सा खत्म किया है कि भैया लड़ाई झगड़ा ना हो। और विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ वो मोदी को घेरना चाहती है, क्योंकि खुद से तो डेवलपमेंट होती नहीं है। सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना कि मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है, और बाकी उनसे कोई काम होना नहीं है। जब मोदी जी कोई काम करते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे।